वॉच फॉर फैक्स, मैं दुखी और परेशान हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या आप मुझे सेशन देंगे? मैं सेशन ही एक तरह से आप लोगों का दे रहा आपको दे रहा हूँ, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। बात यह है कि बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि आप एक तरह से जो कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते, जो सेशन की कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते, तो उनके अंदर से ये बात आती है कि आप जैसे जो है, आप सिर्फ पैसे चाहिए आपको, आप सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, आप मेरे लिए क्यों नहीं फ्री में कर सकते? अगर आप जो है गुरु हो, अगर आप जो है गाइड हो, अगर आपको जो है, अगर आप हेल्प कर सकते हो, तो आप मेरी जो है, आप ऐसे ही क्यों नहीं मदद कर देते, पैसे क्यों लेते हो? मैं अपने लेवल पे जो कर सकता हूँ बिना कॉस्ट के, जो मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ वो मैं करता हूँ। जहाँ पर भी पॉसिबल होता है, जहाँ पे भी मैं अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकूँ अपनी तरफ से, वो मैं ज़रूर करता हूँ। बहुत लोग होते हैं जो सेशन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है, थोड़ा वक्त की बात आ जाती है, थोड़ा सा समझने की बात है कि आज का समय कुछ ऐसा है कि जहां पे जो है, अगर भीतर की साधना करनी है तो भीतर की साधना के साथ साथ जो है आपको बाहर की साधना भी करनी पड़ती है, कि आपको बाहर के संसार में भी जो है धन के लिए जो है कुछ करना पड़ता है, नहीं तो आप अपने भीतर की यात्रा करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। आज का समय कुछ ऐसा है, आज का सन्यासी कुछ ऐसा है, आज का साधक कुछ ऐसा है कि जो बाहर भी अपनी जिम्मेवारी को समझेगा, जो बाहर के लिए भी जो है कुछ ना कुछ करेगा, ताकि उसको पर्याप्त धन की प्राप्ति हो, ताकि वो अपने भीतर जो है प्रवेश कर सके। अगर बाहर का जीवन जो है, अगर आपका स्ट्रगल में है, आप ध्यान कहाँ से कर लोगे? आप कहाँ से जो है अपने भीतर चले जाओगे? तो इसी चीज को समझने की बात है कि अगर मैं आपको कुछ फ्री में दे भी दूं, और अगर आपकी बाहर की स्थिति जो है वो एक स्ट्रगल की स्थिति है, तो वो आपके किसी काम के नहीं होगी। कि आप जो है बाहर स्ट्रगल में हो, आपके पास नौकरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, आपको धन की जरूरत है, और यहाँ मैं आपसे जो है शेक्सपियर की बात करूँ, कालिदास की बात करूँ, पोएट्री की बात करूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, कहाँ आपको जो है इंटरेस्ट आएगा, कहाँ आप कर पाओगे? अभी तो आपका इंटरेस्ट है कि कैसे जो है आपको धन कमाया जाए। अब वो प्रश्न में भी जो है वो धन की बात ही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो जब इतना, अभी जो प्रश्न अगर इतना गहरा यही है कि जीवन में अगर धन नहीं है, जीवन में पैसा नहीं है, तो क्यों ना इसको फिर पूरी तरह से जो है इसमें उतरा जाए। मैं बात कर रहा हूं भीतर के जगत की, मैं बात कर रहा हूं कैसे जो है हम अपने अंदर जो है प्रवेश कर सके। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप धन कैसे कमाओगे, मैं अगर बात कर रहा हूं तो उस भीतर के धन की बात कर रहा हूं। तो इस चीज को समझो, इस तरह के सेशंस में, लाइव सेशंस में आ सकते हो, मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हो, उनसे इंस्पायर हो सकते हो। लेकिन अगर मेरा पर्सनल अगर समय चाहिए, तो उसके लिए वो खुद मुझे जो है अपने अपने आप को, मैं कुछ छोड़ूंगा और तुम्हें समय दूंगा। तो उस टाइम और एनर्जी के लिए जो है एक कॉस्ट है, इस चीज को भी समझो। फिर भी जो मैं दे रहा हूं उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो बियॉन्ड कॉस्ट है।
वो बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड है, लेकिन वो अगर तुम केपेबल होगे तभी रिसीव कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ पैसे की तरफ रहेगा कि तुम्हारे अंदर एक ही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि कैसे जो है कुछ चीज मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन उसको तुम ले भी तभी पाओगे जब तुम अपना कॉस्ट तुम्हारे माइंड में नहीं है, कि जब तुम्हारे भीतर जो है एक देने का भाव है, उस देने के भाव में बहुत कुछ तुम्हें मिल जाता है। इसलिए जो तुम्हारा प्रश्न है, मैं समझ सकता हूं तुम दुखी हो, परेशान हो और तुम्हें हेल्प की जरूरत है। पर्सनल लेवल पे जो है वो शायद इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा, और वो भी मैं ये नहीं कह रहा, मेरे लिए पॉसिबल होगा तो जरूर मैं करूंगा। लेकिन अक्सर जो है मेरे लिए ऑलमोस्ट डिफिकल्ट हो जाता है कि मेरा जो प्रोसेस है लाइफ का, जो मैं करता हूँ, उसमें से अपने आप को निकाल के तुम्हें समय देना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट पड़ेगा। इसलिए जो है उसकी कॉस्ट है, और इसी चीज़ की रियलाइजेशन है होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज़ और समझो कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है कि यहाँ पे कुछ भी जो है फ्री है नहीं, लगता है कि फ्री है। यहाँ पे तुम सब लोग आए हो, बैठे हो, देख रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये फ्री है, नहीं, लेकिन तुम अपनी लाइफ की जो ऊर्जा है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ दे रहे हो यहाँ पे, और दे और जितना दोगे उतना ही रिसीव कर पाओगे। जितना अपने आप को ओपन कर दोगे उतना विजडम जो है तुम्हारे भीतर जो है प्रवेश कर जाएगी। तो यहाँ फ्री कुछ है नहीं, जब जितना तुम अपने आप को कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, जितना तुम देते हो उतना तुम्हारे पास वापस आ जाता है। और अगर मेरा पर्सनल सत्संग की बात करते हो तो वो भी घटता है जब तुम्हारे भीतर जो है एक प्रेम की स्थिति घटती है, कि जब तुम्हारे भीतर जो है कितना गहरा एक प्रेम घटा अगर मेरे लिए, तो वहां पे जो है मैं उसके बियॉन्ड जाकर भी जो है जो मैं कर सकता हूं वो मैं करता हूं। तो मनी से या तो एक तो कॉस्टिंग होती है, मनी के थ्रू जो है या तो ये है कि वो एक माहौल, एक सिचुएशन क्रिएट करी जाती है जहां पे जो है मैं आप लोगों के साथ बात कर सकता हूं एक पर्सनल लेवल पे, या फिर एक दूसरा तल है कि जहां पे जो है मैं एक प्रेम के तल पे जो है अगर कोई मुझसे जुड़ गया है तो उसके लिए मैं सदा के लिए उपलब्ध हूं। तो जो प्रेम नहीं कर सकता उसके लिए जो है मनी की कॉस्ट है, जो प्रेम के साथ आता है उसको तो पूरा प्रभु मिल जाता है, उसकी उसके आगे मैं क्या हूं, उसको तो उसके आगे तो मैं उसके पैर हाथ लगाऊंगा। लेकिन जो प्रेम नहीं कर सकता तो उसके लिए फिलहाल जो है मनी की कॉस्ट है। उस मनी की कॉस्ट के जरिए जो है वो दूसरा व्यक्ति जुड़ता है, और बहुत बार वो मनी की कॉस्ट भी जो है उसका एक एक अपना देने का भाव है, जो है वो दोगे ना। तो अभी वो अगर वो धन नहीं है तो भीतर से वो भाव दो, और वो भाव दोगे तो फिर अपने भीतर वो एक ऐसी स्थिति बनेगी कि वो तुम्हें मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मेरे थ्रू नहीं मिलेगा, मेरे वीडियोस के थ्रू मिल जाएगा, नहीं तो किसी और के थ्रू मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसलिए सेशन, तुम्हारा प्रश्न है क्या तुम मुझे सेशन, क्या आप मुझे सेशन देंगे? सेशन तो घट ही रहा है, इसी क्षण घट रहा है। तुम कितना उपलब्ध हो इस क्षण में, कितने ओपन हो, उतना ज्यादा जो है तुम्हें मिल जाएगा। तो इस चीज को समझो, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, और इस चीज को समझो कि जब तुम किसी चीज की कीमत देते हो तुम उसके लिए डिजर्विंग हो जाते हो। तुम्हें वो मिलने के लिए चीज जो है तुम्हें अपने आप वो चीज तुम्हारे पास चल के आती है, और जिस दिन वो घटना घटती है उस दिन जो है खुद प्रभु तुमसे पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है, बता तू क्या चाहता है, जो भी तू चाहता है मैं तुझे दूंगा।